संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत दारा और लक्ष्मी तो घर पापी को भी होए। नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल और हमारी टीम आज पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के एक जिला बैतूल में। हजारों संत बाबा आपने उभरते हुए देखा होगा, लेकिन कई उन्हीं संतों में से समाज के सुधार के लिए और लोगों को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। उसी प्रकार के एक संत हैं संत रामपाल जी महाराज। हमें जानकारी मिली है कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म दिवस पर कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पर उनके आश्रम में आयोजित किए जाएंगे। प्रकार की तैयारियाँ उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो समागम होगा उसके लिए की जा रही है। जो कार्यक्रम है वो कल से यानी कि कल से स्टार्ट होना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा अभी से ही चालू हो गया है। जो श्रद्धालु हैं वो बस से आ रहे हैं, अपने अपने गाड़ियों से आ रहे हैं, और देख सकते हो कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु की यहाँ पर भीड़ है वो आनी यहाँ पर चालू हो गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं सतलोक का आश्रम बैतूल में पहुँच रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इन भीड़ को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इस कार्यक्रम की भव्यता किस प्रकार से होने वाली है, कितने लोग यहाँ पर आएंगे उसका अनुमान आप आसानी से ही लगा सकते हैं। तो सर, अवतरण दिवस के लिए यहाँ पर क्या कुछ जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं? संत रामपाल जी महाराज के यहाँ 6, 7, 8 को 3 दिन अखंड भंडारा चलेगा 3 दिन का जी। सर, आप किस लिए यहाँ पे झंडा का मतलब पकड़े खड़े हुए? हमारी यहाँ सेवा लगी है, हमारी सिक्योरिटी सेवा है यहाँ पे जी। धन्यवाद सर। जी सर, सर यहाँ पर दूसरा प्रवेश द्वार लगाया गया है। यहाँ पे तैयारी की जा रही है कि जो हमारे जगत के और भगत मतलब भाई बहन आते हैं तो उनको आने के लिए मतलब कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे मैटिंग बिछाई जा रही है और मैट के ऊपर सफाई कराई जा रही है। उसके बाद में बारिश का मौसम हुआ तो यहाँ पे वाटर प्रूफ टेंट भी लगाया गया है क्योंकि वो बारिश में भीगे ना। और सर, जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ पे आएंगे, तो सर उनके खाने पीने के लिए यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? जी यहाँ पे हजारों की तो गिनती नहीं है, यहाँ पे तो लाखों में श्रद्धालु आते हैं और परमात्मा की दया से अंदर पूरी सारी व्यवस्थाएं, अंदर जाके मतलब खाना पीना उठना बैठना सोना सारी व्यवस्था है मालिक की दया से, कोई कमी नहीं है। सर तो यहाँ पर पैसा भी तो जरूर लिया जाता होगा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए? जी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता मालिक की दया से, यहाँ पे सारा कुछ निःशुल्क है। यहाँ पे आने के बाद कुछ भी चीज़ के लिए पैसा नहीं देना, चाहे वो खाना हो या भंडारा हो या नहाना हो या सोना हो या मतलब कुछ भी हो, कुछ भी सारा कुछ निःशुल्क है यहाँ पे। अच्छा, तो खाने में मतलब कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको दिया जाएगा यहाँ पे? खाने में यहाँ पे मतलब पूड़ी राम है, लड्डू राम है, जलेबी राम है, चावल राम है और मतलब मिठाई का भी है, फुलका राम भी है, सारा कुछ है मालिक दादा। और मतलब चैन जो के सब्जियां भी बनती हैं हर रोज फिर भी मिलती है। जी तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो रहने की जो भी सुविधा है, चाहे वो खाने के लिए हो नहाने की हो, यहाँ पर वो सुविधाएँ जो एक व्यक्ति अपने घर में प्राप्त करता है वो सभी सुविधाएं यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको दिया जाएगा। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ही निःशुल्क होगा। दर्शकों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नौजवानों के साथ साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी सेवा का भाव काफ़ी देखा जा सकता है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर थैले जो है वो लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेवादार यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। तो सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे बोर्ड लगाया कि जूता घर, तो जूता घर की मतलब व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जूता घर की जो सेवा लगाई गई है, जो भी वो बाहर से कोई भी पुण्य आत्मा आती है उनके जूतों के लिए यहाँ पे 9,500 के स्टैंड बनाई गई है। इसके अंदर हम सामने वाले को टोकन देते हैं और उसका झोले के अंदर उसके जूते रखते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किस चीज़ का नंबर है ये? ये टोकन नंबर है, जो भी पुण्य आत्माएं आती हैं उनको हम टोकन नंबर देते हैं ताकि जब भी वो भंडारा करके वापस घर को जाए तब हमको वो टोकन दिखा के अपने जूते यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आएंगे और उनके जूतों को रखने के लिए यहाँ पे कुछ खास तरीके की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर गद्दों को ले जाया जा रहे हैं। बड़ों बुजुर्ग क्या, जवान क्या, यहाँ पर बच्चों की भी श्रद्धा यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार से सेवा भाव यहाँ पर बच्चों में भी दिखाई दे रही है। पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉल्स ही बनाई गई है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैनर्स पोस्टर यहाँ पे लगे हुए। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे स्टॉल की तरह बनाया गया है, ये किस चीज़ के लिए है? देखिए सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं, जो जिसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा और उसी के उपलक्ष में यहाँ पर एक ये पुस्तकालय जो है, जिसकी सेवा मतलब पुस्तकों की सेवा है यहाँ पर, और आने वाले हर एक श्रद्धालु को जिसकी इच्छा होती है वहाँ यहाँ से उनको पुस्तकें दी जाती हैं और वो राशि से पुस्तकें लेके जाते हैं। सर, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बुक हमें दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम हिंदी में देख सकते हैं, गुजराती में, तेलुगु में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तमिल में भी और इंग्लिश में भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो पंजाबी है गुरुमुखी लिपि में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर, ये क्या कौन कौन सी पुस्तकें हैं? देखिए सर, यहाँ पर ज्ञानगंगा जो पुस्तक है वो सभी भाषाओं में उपलब्ध है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल MP से ही संगत आए, यहाँ पर अन्य राज्यों से भी संगत आती है, जैसे कि तेलुगु, उड़ीसा, कन्नड़, मतलब इन सभी राज्यों से भी, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इन सभी पुस्तकों को लेकर जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के भंडारगृह के अंदर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं, खाद्य सामग्री, वो तैयार की जा रही है, जिसमें से मिष्ठान भी है। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये किस चीज़ के लिए तैयार की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल तैयार किया जा रहा है, तो सर ये किस चीज़ के लिए तैयार की जा रही है? ये इससे जलेबी बनेगी सर। सर, जलेबी के लिए मतलब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उपयोग की जा रही है? इसके लिए मैदा का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है सर, जिससे मटेरियल तैयार होता है जलेबी की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद इसे मटेरियल को 1-2 दिन सड़ाया जाता है, जिससे मटेरियल तैयार होने के बाद फिर से उसको फेंट के भट्टी तक पहुंचाई जाती है, जहां जलेबी बनाई जाती है। स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर जलेबी तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलेबियाँ तली जा रही हैं और उसके बाद इसको चाशनी में डाला जा रहा है। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेशक स्वाद भी वैसा ही होगा। और देखते हैं कि जो इतने सारे लोग हैं वो जलेबी तैयार करने में लगे हुए हैं। नमस्कार सर। साहब सर। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे जलेबियाँ तैयार की जा रही है, इतने सारे लोग यहाँ पे जलेबी बना रहे हैं, तो सर कितनी मात्रा में यहाँ पे जलेबी तैयार की जा रही है? यहाँ इसकी कोई मात्रा नहीं है सर, इसकी अनलिमिटेड है, इसकी स्टोर रूम में बहुत सारा है अभी, और बनेगा, बनते ही रहेगा। तो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके लिए पूरा बन रहा है। अच्छा, तो सर यहाँ पे मतलब किस प्रकार से उनको दिया जाता है, ये जो जलेबी है वो किस प्रकार से दिया जाता है, इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है क्या? हाँ, निःशुल्क दिया जाता है सर, जितना खाते हैं उतना ही दिया जाता है, भरपूर मात्रा में। तो मतलब जितना चाहे इच्छा उतना खा सकते हैं? हाँ, निःशुल्क दिया जाता है सर। तो जिस प्रकार से देखा कि जो श्रद्धालु हैं उनको ये जो है जलेबी है वो दिया जाएगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो जलेबी है उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में बनाया जा रहा है, उस तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कुछ और जो खाद्य सामग्री है उनको तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े चम्मचों के द्वारा उनको तैयार किया जा रहा है। चलिए वहाँ चलेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ये जो मटेरियल है किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? ये बर्फी राम बनाया जा रहा है, परमात्मा पाल जी महाराज जी के प्रसाद तैयार हो रहा है। तो सर, बर्फी बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जा रही हैं? इसमें बेसन यूज किया जा रहा है, देसी घी यूज किया जा रहा है, शक्कर और इलायची पाउडर और गरी बूरा उसको उपयोग में लेते हैं। जो सामग्री अपन अच्छे सामान बनाने के लिए जो मार्केट में उपयोग करते हैं, वही सारा अच्छा सामान उपयोग में ले रहे हैं। कितनी मात्रा में बनाया जा रहा है इसको? इसको अपन 80 क्विंटल बेसन इसमें उपयोग में ले रहे हैं और 80 क्विंटल घी भी उपयोग में ले रहे हैं, देसी घी इसमें ले रहे हैं,
और 160 क्विंटल जो है तो उसका चीनी ये उपयोग में ले रहे हैं, 10 से 15 किलो इलायची इसमें उपयोग में ले रहे हैं और एक क्विंटल के समथिंग जो है तो गरी पाउडर अपन उपयोग में ले रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किलो नहीं 10 किलो नहीं क्विंटल के हिसाब में यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं मिष्ठान है उसको तैयार की करने के लिए यहाँ पर सामग्री जो उपयोग की जा रही है। सर ये किस चीज़ की मशीन है? सर ये आटाराम गूथने की है, इसमें बोरी के बोरिया आटा डाला जाता है, पानी डाल के और इसमें जीरा वगैरह डाल के नमक डाल के इसको आटे को गूंथा जाता है और गूंथने के बाद इसकी रोली बनाई जाती है। रोली बनाने के बाद ये मशीन है अपनी पुलकाराम बनाने की। इस मशीन में ऊपर से आटा डाला जाता है, रोलर के माध्यम से वो आटा नीचे निकलता है, उधर कटिंग वाले रोलर लगाए उसमें कटिंग करके पुलका का साइज बन जाता है। पुलका का साइज बनने के बाद वो आगे जाता है, आगे जाने के बाद उधर 18 टंकियाँ लगी हुई है, 16 से 18 टंकियाँ, 18 टंकियों की गैस आती है, गैस के माध्यम से अपना ये भट्टियाँ जलती है उसके अंदर की। भट्टियाँ जलने के बाद उसके लॉक के साथ वो तवे पे पुलका को सेका जाता है। इस प्रकार पुलका तैयार होकर के और उधर से डायरेक्ट निकलता है, उसमें घी लगा करके और उसमें भक्तों को भंडार के लिए ले जाते हैं। सर एक घंटे में लगभग कितनी रोटियाँ तैयार हो जाती है? ये मशीन लगभग एक घंटे में 20 से 22 हज़ार रोटियाँ पुलकाराम निकाल देती है। तो इतनी भारी मात्रा में रोटी किसके लिए तैयार की जा रही है? ये जैसे हमारे गुरुजी के माध्यम से बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं जिसमें बड़े बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है और साल भर में कम से कम 6 ऐसे बड़े भंडारे होते हैं जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है और यहाँ शुद्ध देसी घी का भंडारा तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जिसके माध्यम से हम उनको यानी भंडारा करवा सकें। जी धन्यवाद सर आपका। जय।